नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दबे। जो लोग ये कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुरुषों से जुड़ी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिन पर लोग बात नहीं करते। खुद पुरुष भी इन दिक्कतों से अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। तो चलिए, आज ये कार्यक्रम है आपके पति, आपके भाई, आपके पिता और खासतौर पर दादा और नाना के लिए, साथ ही उन सभी पुरुषों के लिए जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में या तो कुछ भी नहीं पता है और अगर कुछ पता है तो गलत जानकारी पता है। प्रोस्टेट कैंसर को लेकर फैले हर भ्रम को दूर करने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज से जुड़े विषयों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर शैलेश चंद्र सहाय। दिल्ली के पटपड़गंज में स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप यूरो ऑन्कोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और साथ ही प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन भी हैं। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ये विषय है प्रोस्टेट कैंसर, इसमें दो शब्द हैं, पहला है प्रोस्टेट और दूसरा है कैंसर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या है प्रोस्टेट और क्या है कैंसर, दोनों की परिभाषा बताइए प्लीज। धन्यवाद। प्रोस्टेट जिसको हम हिंदी में गदूद कहते हैं, ये एक पौरुष ग्रंथि कहलाती है जो कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और ये पेशाब के थैले के ठीक नीचे स्थित होती है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इसका साइज कोई एक अखरोट के समान होता है और 20 से 25 ग्राम का इसका वजन होता है। अब रही बात प्रोस्टेट कैंसर की, जैसा हम जानते हैं कि कैंसर हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर का मतलब यही है कि वही कैंसर अगर आपके प्रोस्टेट में है तो इसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि इंडिया के टॉप 5 कैंसर में ये आता है और इसकी संख्या हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ी है। तो सर, क्या लक्षण होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, कैसे पहचान करते हैं आपके किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, या सवाल ये भी कि आप ये कैसे पहचानते हैं कि किस आदमी को प्रोस्टेट कैंसर की जांच करवाने की जरूरत है, कब आपके क्लिनिक तक आना है, कब आपका दरवाजा खटखटाना है और कब टेस्ट कराना है, डायग्नोसिस कराना है, ये कैसे पता करें हम? देखिए, मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में यही कहूँगा कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें प्रिवेंशन करना बहुत सरल है। यानी कि अगर आप सजग हैं, आपको पता है कि हाँ आपको अपनी नॉर्मल हेल्थ चेकअप करानी है, तो आप प्रोस्टेट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। इसमें एक सिम्टम्स अगर मैं कहूँ तो आमतौर पर बार बार पेशाब जाना, पेशाब के धार में कमी होना, इसके अलावा आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट बढ़ने के होते हैं। प्रोस्टेट बढ़ना कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, यानी बेनाइन भी हो सकता है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ सिंपल से टेस्ट करवाते हैं, जिसमें एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसे सीरम PSA कहा जाता है। 90% केसेस में अगर आपको कैंसर है तो PSA के टेस्ट में खराबी पाई जाती है, तब हम आगे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इसकी स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन। और सिम्टम्स जब भी हों तो उसे दवाई लेके दबाने की कोशिश ना करें, आप स्पेशलिस्ट से मिलें ताकि इसका हम सही जांच कर पाए। कैंसर में भी यही होता है कि जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करने लगती हैं, तकरीबन दोनों बीमारियां एक जैसी, लेकिन दोनों बीमारियों के अंतर जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अंतर कैसे पता करें, क्या लक्षण में भी कोई अंतर महसूस होते हैं कि BPH के मरीज में कुछ और लक्षण हो और प्रोस्टेट कैंसर के मरीज के कोई और लक्षण? लक्षणों के आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपको ये कैंसर की प्रॉब्लम है या नॉर्मल बेनाइन है। इसका डिफ्रेंशिएशन दो चीज़ों से होता है। पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम गुदा द्वार से उंगली डाल के और प्रोस्टेट को हम फील करते हैं कि उसकी टेक्सचर कैसी है, वो कितना सख्त है, उससे एक आइडिया लगता है। और दूसरा ब्लड का टेस्ट जिसमें PSA होता है। अगर इन दो टेस्ट में खराबी आती है तो फिर आप हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं जो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए होते हैं, जैसे बायोप्सी या MRI, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या ये बीमारी ऐसी है जो केवल बुढ़ापे के साथ आती है या फिर कम उम्र के लोगों में भी, यानी हम जैसे युवाओं में भी ये बीमारी हो सकती है? देखिए, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो मीडियन एज प्रोस्टेट कैंसर के लिए 50 साल के ऊपर माना जाता है। तो यानी कि अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है तो आपको एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग में एक अपना प्रोस्टेट का जांच भी, अल्ट्रासाउंड या सीरम PSA, ये दो चीज़ें करानी चाहिए। यंग पेशेंट्स में अगर मैं कहूं तो 45 ईयर्स के नीचे ये कैंसर या BPH की बीमारी होना बहुत ही अनकॉमन है। इंसिडेंसेस जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, इंसिडेंस बढ़ता जाता है। आप ये समझें कि अगर मैं 80 से 90 साल की उम्र की एज की बात करूं तो उसमें ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स को BPH की प्रॉब्लम हो सकती है और कैंसर का भी इंसिडेंस एज के साथ बढ़ता है। यंग पेशेंट्स में प्रोस्टेट की अलग तरह की समस्याएं होती हैं, लाइक क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस जिसमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स उसमें भी आपको वैसे ही हो सकते हैं जो कि BPH में होते हैं, बट यंग एज में यूजली ये नहीं पाया जाता है, 45 ईयर्स के बाद होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर को ट्रिगर करने वाले कोई फैक्टर्स हैं या ऐसे कोई कारक जिन्हें हम पहचान सकें कि अगर हमारी लाइफ से ये सारे फैक्टर्स अगर दूर हो गए तो हम प्रोस्टेट कैंसर के शिकार होने से बच जाएंगे, या अगर ये फैक्टर्स हमारी लाइफ में हैं तो हम प्रोस्टेट कैंसर के करीब हैं,
एज के सिवाय, उम्र के सिवाय क्या कोई ऐसे और फैक्टर भी हैं? देखिए, प्रिवेंटिव तरीका अगर मैं कहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला, प्रोस्टेट कैंसर का लिंकेज आपके स्मोकिंग से हो सकता है, तो स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए। इवन कुछ रिसर्चेज में पाया गया है कि टमाटर, जो सिंपल एक हर घर में अवेलेबल चीज़ होती है, उसके अंदर में वो तत्व होते हैं, लाइकोपीन होता है, जिससे आपके कैंसर प्रिवेंशन में मदद मिलती है। तो फ्रेश फ्रूट्स लें, स्मोक्ड फूड का सेवन कम से कम करें। आपकी लाइफ थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जिसमें आपके खाने का कुछ ठीक नहीं रहता, आप पैक्ड फूड ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसके लिए हेल्दी नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में किसी भी परिवार के मेंबर, आपके चाचा जी, दादाजी, पिताजी, किन्हीं को भी अगर प्रोस्टेट कैंसर है, तो आपके बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस बाकी लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना होता है। तो इसलिए अगर किसी की एक फैमिली में कोई भी आदमी ऐसा है जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग बहुत ही जल्दी करानी चाहिए और उसको रेगुलर टाइम पे चेक करते रहना चाहिए। सर, इतने तनाव में, इतने टेंशन में, और कई बार तो हम डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, तो क्या ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मानसिक जो तनाव है, क्या ये प्रोस्टेट कैंसर की दिशा में हमें ले जा सकता है? क्या इसका कोई कैंसर से संबंध है? सी, आई वुड से स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप जैसे आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि अगर आप ठीक से अपनी नींद भी नहीं ले रहे हैं, 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, खाना आप टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइक आजकल पॉल्यूशंस, खाने में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, केमिकल्स हैं उसमें भी, तो वी नेवर नो कि विच ऑफ दिस थिंग्स आर लीडिंग टू जेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का एक जो मुख्य कारण माना जाता है जीन्स की म्यूटेशन होती है। बिल्कुल, ये म्यूटेशंस किस वजह से होती हैं ये आज भी रिसर्च का विषय है। ये रेडिएशन की वजह से हो सकती है, केमिकल पॉल्यूशन आपकी होती है उसकी वजह से हो सकती है, ये स्ट्रेस से भी हो सकती है। तो देयर कैन बी वेरियस फैक्टर विच कैन लीड टू द जीन म्यूटेशन लीडिंग टू प्रोस्टेट कैंसर। तो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना या घटना, यानी कि हार्मोनल इंबैलेंस जब होता है शरीर में, तो क्या ये भी प्रोस्टेट कैंसर को या किसी दूसरे कैंसर को जन्म दे सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए प्रोस्टेट कैंसर का डायरेक्ट लिंक सीरम टेस्टोस्टेरोन यानी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल से होता है। इनफैक्ट ये एज के साथ, जैसे आप देखते हैं 45-50 साल की उम्र के बाद ये कैंसर होता है, उसका मेन रीजन यही है कि टेस्टोस्टेरोन और बॉडी के अदर हार्मोन्स जो बॉडी में होते हैं लाइक एस्ट्रोजन वगैरह, इन सब का आपसी संतुलन बिगड़ने से ये कैंसर हो सकता है। और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर है, उनमें एक ट्रीटमेंट मोडालिटी ये भी होता है कि हम उसमें टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म करने के डिफरेंट इंजेक्शन देते हैं, या फिर टेस्टिस का भी ऑपरेशन किया जाता है कितनी बार, जिसमें आप टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकें। तो दिस इज ए मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन प्रोस्टेट कैंसर इन विच यू लाइक टू डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो इस हार्मोन का काफ़ी रोल है। और इसमें एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि आजकल टेस्टोस्टेरोन के इलिसिट यूज़, या कह लें कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस बहुत सारे लोग लगाते हैं। कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए लगा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सेलेंट करने के लिए कर रहा है, ये बहुत ही घातक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस का दुष्प्रभाव प्रोस्टेट पर डायरेक्टली होता है और उससे आपको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। और ऐसी बातें एक डॉक्टर ही बता सकता है क्योंकि वही आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर शैलेश, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने कारण बता दिए, फैक्टर्स बता दिए, लक्षण बता दिए, लेकिन इलाज सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और अगर ठीक हो सकते हैं तो कितने तरह के इलाज हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो वहाँ पे जैसे US में पुरुषों में ये नंबर 1 नंबर 2 पे ये कैंसर है, यानी कि इंसिडेंसेस वहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में भी लोग अब जागरूक हो गए हैं तो अपना टेस्ट कराते हैं, जिससे ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। तो ये बहुत ही लेट स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते थे, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते थे, जिसमें हम शायद बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट उनको नहीं दे पाते क्योंकि वो स्टेज ऑलरेडी एडवांस था। बट अब चूंकि हेल्थ चेकअप होते हैं, लोगों को पता होता है कि हमें टेस्ट कराना है, PSA का टेस्ट अवेलेबल है हर जगह पे, तो अब ये अर्ली स्टेज में भी पकड़ में आ जाता है। और अर्ली स्टेज में अगर ये बीमारी पकड़ में आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें हम लोग, जैसे मैंने रोबोटिक की बात करी, रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी हम कहते हैं, तो यानी कि एक तरह का ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें आप कोई चीरा नहीं लगाते, आप बॉडी में छोटे छोटे होल्स बनाते हैं जो 8 mm के होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू आप अंदर एंटर करके और प्रोस्टेट की सर्जरी करके प्रोस्टेट को निकालते हैं। इस सर्जरी में एडवांटेज ये होता है कि ये 3D विजन में होता है, यानी नॉर्मल जो लैप्रोस्कोपी की बात आपने सुनी होगी, दूरबीन पद्धति की सर्जरी होती है, वो 2D होती है। तो 2D का मतलब है कि आप जो देख रहे हैं वो जैसे TV में आमतौर पे हमें दिखता है, वैसा अंदर का बॉडी पार्ट्स हमें दिख रहा होता है। वाइल इन रोबोटिक्स वी आर डूइंग 3D, तो हमें 3D विजन दिख रहा होता है। इसके अलावा जो रोबोटिक के आर्म्स होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड, इवन बेटर देन ह्यूमन हैंड इन प्रिसीजन एंड ग्रिप। तो उसमें आप बहुत ही इफेक्टिव वे में पेल्विक सर्जरी करते हैं। और अगर मैं कहूँ आमतौर पे ब्लड लॉस की बात, तो शायद ही कोई पेशेंट है जिसमें हमें रोबोटिक सर्जरी में प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े।
और इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट एक दो दिन में घर चले जाते हैं। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इफ द पेशेंट इज हैविंग थ्री में। कभी कभी हम लोग कुछ केसेस में सेलेक्टिव तौर पे ये सर्जरी कर सकते हैं रोबोटिक, बट अदरवाइज उनकी फिर डिफरेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को टारगेट करते हैं, और रेडिएशन और कीमोथेरेपी का भी रोल वहाँ पे आता है। लेकिन इसलिए अगर आपको जानकारी है, अगर आप जानते हैं, इस बारे में जागरूक हैं, तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको थोड़ी भी सिम्टम्स हों तो आप इसका अगर चेकअप कराएं तो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट करने का मतलब है कि हम आपको हमेशा के लिए इस कैंसर से निजात दिला सकते हैं। देखिए, अगर मैं रोबोटिक सर्जरी की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि ये स्टेज वन और टू के कैंसर पेशेंट्स के लिए अप्लीकेबल होता है जी। और रोबोटिक सर्जरी में आप क्या करते हैं कि आप पूरा प्रोस्टेट जो है उसे बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, और पेशाब की थैली जो पेशाब की नली से जहां जुड़ती है उस जगह को आप दोबारा एनास्टोमोसिस करते हैं, यानी उस रास्ते को नया क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ढंग से कर दें तो इसके बाद कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो रेडिएशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी में भी आपके बॉडी पे नुकसान होता है क्योंकि एक पूरे बॉडी को आपको वो थेरेपी मिल रही होती है, लेकिन वो सब हायर स्टेजेस में जिसमें हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन नहीं है वहाँ वो एप्लीकेबल है। तो अगर आपने अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट को निकाल दिया तो अदर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स वो आपके नहीं होते हैं। प्रोस्टेट की आजकल जो सर्जरी हमारे यहाँ पर हो रही है, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में जो बेस्ट तरीके से सर्जरी हो सकती है प्रोस्टेट की, वो सारी फैसिलिटी अब इंडिया में अवेलेबल है जो हम लोग कर रहे होते हैं। इसको हम लोग नर्व स्पेयरिंग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, यानी प्रोस्टेट तो हमने निकाला लेकिन हमने सेक्सुअल नर्व को भी बचाया, जबकि ये चीज़ आमतौर पर संभव नहीं होता है। लेकिन आप रोबोटिक सर्जरी में ज़्यादा अच्छे विजन और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी की वजह से आप नसों को बचा सकते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट निकालने के बाद भी आपका सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल चलता रहे। रेडिएशन की बात करें, अगर आप कीमोथेरेपी की बात करें, तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मरीजों को झेलने पड़ते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, और उसमें रेकरेंस का चांस एज कम्पेयर टू सर्जरी ज़्यादा होता है। सर, आपने अभी कहा कि सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल रख सकते हैं, तो क्या एबनॉर्मल हो जाती है सेक्सुअल लाइफ प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद, या उसके इलाज से या उसके लक्षणों से क्या सेक्सुअल लाइफ पर कोई अंतर आता है? देखिए, अगर एडवांस स्टेज प्रोस्टेट कैंसर है तो अगर आप सपोज स्टेज थ्री में अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हम रोबोटिक सर्जरी करें, तो आपको जो सेक्सुअल नसें होती हैं उसको हम लोग दोनों प्रोस्टेट के दोनों साइड से वो गुजरती हैं, और उन नसों को बचाना वैसे में संभव नहीं होता क्योंकि कैंसर छूटने का खतरा रहता है, तो आपको नसों के साथ निकालना पड़ जाता है। तो वो एक नॉन नर्व स्पेयरिंग सर्जरी कह ली जाती है, और आज से कुछ साल पहले तक वही सर्जरी हमेशा की जाती थी प्रोस्टेट कैंसर के लिए, यानी कि सारे पेशेंट को हम लोग समझाते थे कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद आपका सेक्सुअल फंक्शन खत्म हो जाएगा, बट अब वो चीज़ नहीं है। अब हम सेलेक्टेड केसेस में नर्व को स्पेयर कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं, तो आफ्टर सर्जरी ऑल्सो पेशेंट हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। ब्लड का सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में होता है, तो क्या कैंसर सेल्स प्रोस्टेट से ब्लड में भी मिल सकते हैं क्या? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट कैंसर या एक्चुअली बॉडी में कोई भी कैंसर हो, उसकी जो स्टेजिंग होती है, स्टेज वन टू थ्री फोर जैसे हम कहते हैं, तो वो स्टेजिंग इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो कैंसर अपने प्राइमरी ऑर्गन में कन्फाइंड है या उस ऑर्गन से बाहर की तरफ चला गया। चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में है, तो ये कैंसर जो है ब्लड के थ्रू भी फैलता है, ये कैंसर लिम्फैटिक्स के थ्रू भी फैलता है, और डायरेक्ट स्प्रेड भी होता है। दे आर डिफरेंट मोडालिटीज टू हैव अ स्प्रेड ऑफ द डिजीज। और प्रोस्टेट कैंसर का सबसे जो पहला स्प्रेड अगर मैं कहूँ, तो वो बोन्स के थ्रू आपके जो वर्टिब्रा यानी कि जो स्पाइन होती है, वो स्पाइन और एक्सियल स्केलेटन यानी आपकी पेल्विक बोन, आपकी हिप बोन, स्कल, इनमें कैंसर जा सकता है। तो इसलिए मेरा जो एक आज प्रयास है वो ये है कि हम सारे लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि एक प्रोस्टेट कैंसर को अगर हम समय रहते प्रिवेंट कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी पे खतरा भी नहीं होता, और इसको हम मोस्ट इफेक्टिव वे से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेज थ्री में है, स्टेज फोर में है, तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं कि आप आइए, इलाज कराइए, या इलाज नहीं तो कम से कम टेस्ट ही करा लीजिए, आपको पता तो लगे कि प्रोस्टेट कैंसर से आप जूझ रहे हैं, वरना फिर वही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपने बताया कि वो हड्डी का इलाज करा रहे हैं, फिर फोर्थ स्टेज में जाकर पता लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर निकला। देखिए, जान है तो जहान है। जब आपके पास जिंदगी नहीं है तो फिर आप सेक्सुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन आप तो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह कि मेरा पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, उनको पहली चीज़ मैं यही कहता हूँ कि देख, आप चाहे अपने आप से प्यार ना करते हो, अपने परिवार से हर आदमी प्यार करता है, और जब आप ही नहीं हैं तो आपके बाद, आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या हाल होगा, आप ये सोच सकते हैं। तो जो अपने परिवार से प्यार करते हैं वो अपना हेल्थ चेकअप तो जरूर कराएं। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा कि जैसे हमारे फैमिली में, हर फैमिली में कुछ चाचा जी, दादा जी, नाना जी, एल्डर जो होते हैं पुरुष, उनको अगर हम आमतौर पर जैसे हम गिफ्ट करते हैं, कोई कपड़े गिफ्ट करता है, कोई ऑर्नामेंट्स, घड़ी गिफ्ट करता है, आप उनको हेल्थ चेकअप गिफ्ट कीजिए। हेल्थ चेकअप से ज़्यादा बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। आप उनको एक सही स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हेल्थ चेकअप करने में आप प्रोस्टेट कैंसर का तो वैसे ही पता चल जाएगा।
बिल्कुल डॉक्टर, दर्शकों का तो पता नहीं, मैं जरूर कन्विंस हुआ इस चीज के लिए कि अगली बार अगर किसी उम्रदराज व्यक्ति को या परिवार के किसी बुजुर्ग को कोई गिफ्ट देना हो तो हेल्थ चेकअप का गिफ्ट सबसे बढ़िया है, क्योंकि जान है तो जान है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और सर, जब इलाज की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहते हैं कि कैंसर ठीक होने के बाद फिर से होने के चांसेस भी होते हैं, तो क्या प्रोस्टेट कैंसर अगर ठीक हो गया है, आप बता रहे हैं कि आपने रोबोटिक सर्जरी कर ली जो बहुत सफल है, बहुत कारगर है, लेकिन अगर क्या चांसेस इसके भी होंगे कि फिर से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर स्टेज 1-2 में हम लोग ये सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो हर एक सर्जरी के बाद जो पैथोलॉजी स्पेसिमेन आता है वो हमें ये बताता है कि हमने आपके ऑपरेशन करके बाद कितने इफेक्टिव तरीके से आपका कैंसर बॉडी से बाहर निकाला। तो अगर वो रिपोर्ट हमारी सही आती है जिसमें कि सारे क्लियर आ गया कि हमने सारा निकाल दिया और अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद रेकरेंस के चांसेस आई वुड से इज नॉट मोर देन 0.5%। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन की बात अगर कहूँ तो प्रोस्टेट कैंसर का इलाज सर्जरी के थ्रू अगर करते हैं तो देर आर 3 मोडालिटीज। ओपन सर्जरी, जो सबसे पहले आज तक ओपन सर्जरी होती आई, बिल्कुल, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, लैप्रोस्कोपिक के बाद अभी रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी भी अगर मैं कहूँ, दिल्ली की बात अगर मैं कहूँ, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 15 साल से ऊपर हो चुका है जो यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। तो आज के समय में प्रोस्टेट कैंसर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है वो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी है। आप इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर यही ऑपरेशन आप US में या किसी वेस्टर्न कंट्रीज में कराते हैं तो वहाँ पे जो उसकी टोटल कॉस्ट आती है और इंडिया में जो कॉस्ट आती है, इंडिया में कॉस्ट इज नॉट मोर देन 20% ऑफ व्हाट यू हैव टू पे एट US, एंड द क्वालिटी ऑफ सर्जरी इज एट पार और इक्वल। तो यानी कि हमारे यहाँ पे बीइंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव द हाईएस्ट फैसिलिटी ऑफ केयर फॉर प्रोस्टेट कैंसर विच इज अवेलेबल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रीटमेंट तो हमारे पास यहाँ पे सारी अवेलेबल है। अब रही बात कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन रोबोटिक सर्जरी में मिनिमम होती है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इसको ओपन सर्जरी से, तो पहले जैसे ब्लड लॉस होता था और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती थी, मैं अपने केसेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई ट्रांसफ्यूज अ सिंगल यूनिट ऑफ ब्लड टू माई प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट इन रोबोटिक्स। तो यानी कि हमने कभी किसी पेशेंट को ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूजन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज ये है कि पेशेंट का अगर मैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल की बात कहूँ, तो मैं रिसेंटली आई हैड जस्ट एनालिसिस कि मेरे लैप्रोस्कोपिक केसेस जो मैंने किए और आज जो मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, तो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में रिकवरी का पीरियड कैसा रहता है, तो वी आर सरप्राइज टू सी कि इट डिक्रीजेज द हॉस्पिटल स्टे बाय 50%। यानी कि अगर आपका एवरेज लेंथ पहले 5 दिन था तो पेशेंट 2 से 2.5 दिन में डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं। सर, इकोनॉमिक पहलू पर फिर मैं बात कर ही लेता हूँ। आपने बताया कि अमेरिका के मुकाबले तकरीबन 5 गुना कम दाम में भारत में ये सर्जरी हो सकती है, रोबोटिक सर्जरी, तो क्या आम व्यक्ति भी ये करवा सकता है? क्या सामान्य व्यक्ति जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहा है, क्या उसके लिए भी अब रोबोटिक सर्जरी करवाना एक ऑप्शन है? क्योंकि ये तो ऐसा माना जाएगा कि ये तो जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है केवल वही करा सकते हैं, तो क्या आम व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन जो किया है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी 2020 अक्टूबर के समय एक IRDAI ने गाइडलाइन जारी की थी जिसके अकॉर्डिंगली जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारे रोबोटिक सर्जरी के खर्च को आपको रिम्बर्स करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल करा सकते हैं और वो कंपनी उसका जो भी खर्च होता है वो वहन करेगी, पहली बात। दूसरी चीज, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर लाइक दोज हु आर हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी CGHS जैसे कहते हैं, उनमें भी कैंसर के पेशेंट्स के लिए रोबोटिक सुविधा उपलब्ध है। तो यानी कि आपके पास इनमें से कोई भी अगर पैनल है या फिर कोई सुविधा है तो आप उसको यूज़ करके रोबोटिक सर्जरी करा सकते हैं। इन केस अगर हम मान लीजिए अपनी जेब से खर्च करके हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमें अपने पैसे से ही कराना है, तो भी अगर आप इसको इस लिहाज से देखें कि इस ऑपरेशन में ना तो आपको ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे करना पड़ रहा है, ना ब्लड लॉस हो रहा है, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी, तो एक्चुअली जो कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स के एक्स्ट्रा आपने दिए वो कॉस्ट हमें बाकी जगह पर कंपनसेट हो जाते हैं। यानी अगर आप 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो आपका खर्च कम होता है एज़ कम्पेयर टू 4 दिन रहना, तो मिला जुला के बात आपकी वही पड़ती है जिस खर्च में आप पहले ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे थे, आप उतने ही खर्च में रोबोटिक सर्जरी करके और जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, और ये जो भ्रम है ये दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब कुछ सालों में, आप कहें 5 साल 10 साल या 15 साल, ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। बिल्कुल, ऐसा हम अपने डे टू डे जो प्रैक्टिस हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हम ये नोटिस करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट पहले से बढ़े हैं। बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं जी। पहला रीजन, इंसिडेंस का इंक्रीज करना, यानी बीमारी बढ़ी है, जो हो सकता है कि आजकल जो इतना ज्यादा रेडिएशन पॉल्यूशन
ये सारी चीज़ें म्यूटेशंस करती हैं, उसकी वजह से भी ये इंसिडेंस बढ़े हों। दूसरा वजह है अवेयरनेस, यानी कि अगर मेट्रो सिटीज़ की बात मैं करूँ तो मेट्रो सिटीज़ में अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि हमें हेल्थ चेकअप कराना है और उसमें ये चीज़ पता चल जाती है। इवन छोटे शहरों में भी आजकल आप देखेंगे अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको फ्री हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपको साल में एक बार आपके सर्टेन ब्लड टेस्ट होते हैं या कुछ टेस्ट और होते हैं जो किए जाते हैं, तो उससे भी लोग इसे पता लगा लेते हैं। तो अवेयरनेस का बढ़ना ही इस कैंसर के नंबर बढ़ने का एक कारण भी हो सकता है, बट ये अच्छी बात है कि लोगों को अब पता चल जाता है और उसको ट्रीट कर लेते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि आज से 15-20 साल पहले हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में ही कैंसर पकड़े जाते थे, स्टेज 1 और 2 प्रोस्टेट कैंसर रेयरली आते थे, जबकि आजकल ये रेगुलरली हमें ऐसे पेशेंट मिलते हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से जहाँ जहाँ मैं पहुँच पा रहा हूँ, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें हर आम तौर पे आप साल में एक बार छुट्टियाँ मनाने के जरूर जाते हैं, आप कभी नहीं सोचते कि आपने इतने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए हैं और एक वैकेशन करके आएँ, जो कि आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है। तो जिस दिन हम ये बात समझेंगे कि आप अपने ऊपर खर्च करना, अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करना इज़ ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताऊं, मैं अपना खुद का हेल्थ चेकअप हर 6 महीने पे कराता हूं। मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं हर दिन देख रहा होता हूं कि मरीजों को क्या क्या बीमारी हो रही है, और मुझे लगता है कि कम से कम अपना भी तो ख्याल रखूं। तो इसलिए जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तब तक इसका मतलब है कि आप अपने परिवार को प्यार नहीं करते, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके एब्सेंस में कोई भी दिक्कत हो। तो पहले तो आप अपने आप को अगर स्ट्रांग रखेंगे तभी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। और मेंस के साथ ये प्रॉब्लम है, एक जो जनरल मेंटेलिटी है हमारी कि मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे लगता है दर्द होता है, दर्द का एहसास भी होता है, बस हम दर्द को प्रकट नहीं करते, ये हमारा स्वभाव है। क्योंकि मेंस को दर्द भी होता है तो प्रकट नहीं करते हैं, वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं अपने आप को कमजोर साबित करूं तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो डॉक्टर शैलेश, ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनने के बाद जरूर जितने भी मर्द हमें सुन रहे होंगे, जितने पुरुष हमें सुन रहे होंगे, वो अपने दर्द को प्रकट करना शुरू कर देंगे। बहुत ही उम्मीदों से भरे आपके जवाब थे, बहुत ही कह सकते हैं कि होप मुझे मिली है इस इंटरव्यू के बाद। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर शैलेश चंद्र सहाय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर हमसे खुलकर बात करने के लिए। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।